हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भोपाल की बहू। नहीं तो भोपाली तो हो चुकी है अभी मॉर्निंग, और अब हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। और सर्दी ने कर रखा है बेहाल, हाल ठीक नहीं है बिल्कुल भी। आवाज़ से आपको लग रहा होगा क्योंकि बोलते ही नहीं बन रहा है कुछ भी, ठीक से बात ही नहीं करते बन रहा है। तो बस अभी जाते हैं, क्या मस्ती होती, तो पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। थैंक यू। चम्मच हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भोपाल की बहू। नीतू भोपाली। तो सब होने लगे हैं तैयार, और हमारे यहाँ लगाए नंबर नहाने के लिए बाथरूम में। तो बस करते हैं तैयारी अभी, क्योंकि ये गोद भराई का फंक्शन, तो उस हिसाब से सब लोग अपना अपना ड्रेसअप लेके आए हैं। तो मैं भी रेडी होंगी, फिर मैं आपको बताऊँगी मेरा लुक, फिर आप देख के बताइएगा कमेंट में आपको कैसा लगा, क्या है। मैं पहली बार गोद, कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और सच बोलो तो फर्स्ट टाइम मैं गोद भराई अटेंड कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अभी तक मतलब मैंने कभी, हमारे इधर होती नहीं है वैसे गोद भराई हमारे यहाँ पर, तो देखी भी नहीं है, और पहली बार आई हूँ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ मैं। और क्या होता है, क्या क्या मस्ती होती है, क्या, क्योंकि यहाँ पर तो सब लोगों ने अपने अपने डांस की प्रिपरेशन किया, हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया। हालांकि हमें सरिता ने पहले ही बता दिया था कि एक एक डांस अपना वो करके लेके आना, देखेंगे हम लोग तो जो जब जैसा बच जाएगा ना उस पर डांस कर देंगे। और क्या होती है मस्ती, सबसे पहले अभी रेडी होंगे, फिर उसके बाद आपको बताऊंगी कि कैसे लग रहे हैं और किस तरीके से तैयार होंगे, क्योंकि मैं भी लेकर आई हूँ लहंगा। मैं दो लहंगे लेकर आई हूँ, अब देखो उसमें से कौन सा सिलेक्ट करूँगी, कौन सा पहनूँगी, और क्या होगा, तो पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। यहाँ पे देखो क्या बहस चल रही, कहाँ गए थे आप दोनों, ये क्या क्या कर रहे हो? देखा तुमने यहाँ पे सबको कैसे रहते हैं अपनी बीवियों के साथ, बीच में जाके बैठ जाए मालूम, इनको दिखा दिखा के लेडीजों के बीच नहीं होती है जब भगवान को अर्थ लगा के बैठते हो ना, तब लेडीज पुरुष कुछ नहीं यार, नहीं, आप बेटे 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 ना, आप बाइक में काउंट होते हो, हां मैंने पतियों में काउंट होते था, चक्का मारा यार भाई, ये मतलब कहीं भी हो सकता है। मैंने अमित भाई को बोला, अमित भाई इधर आओ, फिर अंकुश बोला, अंकुश इधर आओ, सबको बुला बुला के बिठा लिया, और अंकुश हो गया, आप हो गए, और छोटे छोटे भाई हो गए, हम लोग सामने देखो जरा, कोई नहीं फौजी भाई, कोई बोल नहीं सकता आप लोगों को, कौन बूढ़ा बोल रहा है, ये बूढ़े दिख रहे कहीं से कहीं तक तुमको, ये देखो इनके मुंह से कितना कोहिनूर की तरह चमक रहा है, दोई चोबे से सर खा रखा हो, चल गाली ये चले जा, कल इतना गाया है कि गला नहीं, लेकिन आपको 5 मिनट आके बैठना चाहिए था, इधर आके बैठो ना, यहाँ पर यहाँ बैठो, साथ में बैठो, एक एक इधर कैमरा मोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है। चलो एक काम करो, आप लोग हो, सुनो फौजी भाई, आप लोग एक यूट्यूबर के हस्बैंड हो, तो थोड़ा थोड़ा सा, हाँ अपन यूट्यूबर है, मैं कहाँ यूट्यूबर है,
तो आप लोगों को आया वो मिला रहे यूट्यूबर काफी वो बड़ी फेमस है, कोई कुकिंग में है, कोई किसी में है। अच्छा अभी आप लोग भी हो ठीक है, तो आप लोगों को एक एक लाइन ब्लॉगर वाली बोलना है। कैसे? चलो आप शुरू करो, सचिन भाई बोल के बताएंगे जो ब्लॉगर की लाइन होती मतलब है, भरोसा नहीं है। आप इनको देख के कॉपी कर लेना। चलो सचिन भाई आपका जो तकिया वाला। नमस्कार साथियों, आज के ब्लॉग में आप सभी का एक बार अभिनंदन है। ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होगी इसलिए दिल थाम के बने रहिएगा। जहाँ पे बिना स्किप किए हुए देखिएगा वीडियो को, आपको नीतू दीदी का समय चलो कसम वापस लेता हूँ ये कसम वापस लेता हूँ। तो बहुत मेहनत करती हैं आप लोग, खूब सारे इनको सपोर्ट प्यार दीजिए और अपने जज्बातों पे थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, क्योंकि वीडियो मेरे को पता थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा लेकिन झेल लीजिएगा। आगे फौजी भाई बताएं। अब फौजी भाई की बारी। ओके 70 यू दरोगा जी की बारी। सेम पिच यही वीडियो मेरे वाले पे भी जाएगा, दूसरा मैं भी नहीं बना पाई। कुछ बोलेंगे नहीं, ये कुछ बोलेंगे नहीं। इसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क। उन्होंने हार्ड वर्क करा, उन्होंने इतनी सारी लाइनें बोली, हमने सिर्फ एक शब्द में अपना पूरा मतलब वो डाटा है और ये दोनों कॉपी पेस्ट है। लेकिन जो भी हो थोड़ा सीखो, अपने अंदर सुधार लाओ, कुछ सीखो। देखो ब्लॉग में कभी भी बात करो ना अपने व्यूअर्स से, देखो वो तो देखो सचिन भैया, जैसे कि कोई अपना दोस्त है और उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो कि जिससे वो आपको हंसाओ बजाओ। सचिन भैया तो हर जगह नहीं होते ना अवेलेबल, यहाँ तो हम सचिन भैया पे छोड़ देते हैं और सबकी हेल्प करते हैं वो सबकी। ये बात तो है यार, सचिन भैया जैसा बंदा सचिन करता है वो यूट्यूब पे। हम तो वैसे फिजिकल हेल्थ बात है ना, मेरा पति ये काम करता है कि अगर बता देना है कि वो ले आओ, क्या कहते हैं साड़ी नीचे रह गई जाना ले आना, एक फैब्रिक की जरूरत है, नेल्स निकल रहा है, बस वो लाए वो आ रहा है, बस ये वाली हेल्प करते हैं। कर दी है तो मतलब ऐसा क्या, बस हम ही है जो कर रहे हैं, बस पूरा काम तुम्हारी जिंदगी हमारे कारण ही चल रहा है। साढ़े पाँच कितने हो जाएंगे नीतू जी? 550 किलोमीटर अकेला के ड्राइव करके मैं लेके आया हूँ। तो अब मैंने पता सचिन भैया इतने बार बोला कि गाड़ी मुझे दे दो, यहाँ कोई नहीं है रात में, मैं गाड़ी भी नहीं दे, और जीना है तो तुम्हें गाड़ी देनी नहीं है तो फिर चला। मैं अमित भाई को दिया, अमित भाई और मैनुअल चला तो ऑटोमेटिक नहीं चला पाता। 40 मिनट में मेरे को नींद आ रही थी, मैं बोला कि अमित भाई स्टार्टिंग में घर से निकलते हैं, वो बेचारा 40 मिनट में 18 किलोमीटर लगा। मैं बोला भाई और पता क्या किया मैं उसको, साइड लेन में दिया था एक्सप्रेस वे पे, ओवरटेकिंग लेन में घुस गया है। मेरी आंखें खुली, मैं बोला अमित भाई कहाँ ले आए गाड़ी, कह रहा सचिन भाई 3-4 ट्रक है मेरे को ढका देते इधर कर। मैं बोला भाई रो, गाड़ी साइड लगा कर, गाड़ी साइड लगा के मतलब मेरी नींद उड़ गई। उसके बाद से मैं लगातार 460 किलोमीटर अकेले चला कर आया नॉन स्टॉप। मतलब सचिन भैया अमित भाई गाड़ी चला तो वो फीलिंग आती है, किलोमीटर चलाया 40 मिनट में, बस आज तो एक्सप्रेस वे पे जो इंडिया की फास्टेस्ट वो है 120 की स्पीड में। बंदा मनाली में ऐसी खाई सेम ऊटी गए ना भैया, हाँ मतलब सेम आप जैसा पिछली बार यहाँ आए तो तब क्या हुआ था, सेम ट्रक वाला था। ओ भाई वो तो फिर ऐसे चलता है, वो तो मेरा वो था ना, अब मेरे का मेरे कोई और होता, ट्रक वाले बड़े ही होते हैं उनसे पंगा नहीं लेने का। भाई मेरे कोई और होता होबलेट हो जाता उतनी देर में। हां इन्होंने ये चीज बहुत अच्छी करी, अगर ये गलती से भी थोड़ी स्पीड कम करते ना, स्पीड कम करता है ब्रेक मारता ट्रक वाले ओवरटेक नहीं करते। पता मैं क्या करता हूं,
पहले तो ओवरटेक मैं प्यार से ले लूंगा, उसके बाद जाके ना 10 की स्पीड में गाड़ी चलाऊंगा उनके आगे, उनकी स्पीड तोड़ दूंगा, उनका तो गियर चेंज करना होगा। अरे चलाओ अब दो। फिर एक बार क्या किया ना, एक बार बहुत गुस्सा आया था, अमित भाई कल बता रहा था, मैं गाड़ी जाके रोक ही दिया ट्रक के आगे। तुम तो सेम पिच सेम टू यू कर रहे हो, तो वही तो बताया ना उन्होंने, तो ब्लॉग ऐसे स्टार्ट करोगे, हेलो गाइस सचिन ने बोला था सेम टू यू, सचिन ने जो बोला था सेम पिच, गाइस अभी इनका 8 मिनट 17 सेकंड हो गया, एक ब्लॉग कंप्लीट हो गया। ये एक ब्लॉग हमारा बन चुका है, यही बात करते 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 इसमें 3 मिनट की दोनों ने गाड़ी की बकवास कर डाली उसके अंदर। तो बकवास नहीं है वो, बहुत ज्ञान वाली चीज है। नहीं अभी अब यार आपको ये बैठे थे क्या वो ओवरटेक गाड़ी में? अमित भैया ना मालूम है ऐसे फौजी भाई की मतलब ट्रक के आगे गाड़ी गई, मेरी आंखें ऐसी थी लेकिन हाँ इनके साथ बैठते अब आदत होगी सचिन भैया के साथ, ये भी क्या भेद है मुझसे गाड़ी चलाता रहा। मम्मी और मैं मनीषा तीनों हम लोग जा रहे हैं रास्ते में, रात को धुंध गिर गई एकदम से, 9:30 बजे निकले, 3 बजे तो मेरे हाथ थक गया। आदत नहीं अपन लोगों की ना, यार हमारे चैनल को भी बड़ा चैनल बना रहे हैं यार, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं पता है, मेहनत मतलब हम घर संभालते हैं ना उसके साथ साथ हम ये सब कर रहे हैं, तो ये सब थोड़ा सा क्या होता है घर संभालते हैं कुछ नहीं करते हैं, ये लोग घर संभालते हैं और इनको ये लोग संभालते हैं। तो इनको 21 तोपों की अगर, तो इनको 51 तोपों की सलामी भाई साहब, इनको झेलने हम घर के साथ इनको भी संभालते हैं। सही बात, और हम लोग को भी संभालते हैं छोटे बच्चों को, बदलता है वो मौसम। तुम किसकी टीम में हो गया बताओ पहले, हम लोग टीम में हो गए, चीजा की टीम में हो, बहन की टीम में हो, गर्मी रात में ठंडी, बहुत सीरियस क्वेश्चन है सचिन भाई, बहन की टीम में हो गए जीजा की टीम में हो, बस एक को चुनो। मैं भाई मर्दों की टीम में हूँ पहले तो, बताओ तुम मर्दों की टीम में हो या महिलाओं की टीम में हो? बहन की हो रही, भाई की हो रही, मर्द की हो रही, औरत की नहीं हो रही। देखो ये मर्द की टीम में, देखो बहनों की जब शादी हो जाए ना तो जीजे के साथ ही मजा आता है क्योंकि उन्हें हमारा दुख ले लिया होता है ना। लेकिन नेहा दीदी केस में मैं उनके साथ हूं हाँ? तो नेहा के साथ तो हम सभी हैं, क्योंकि वो नेहा दीदी भी है और उन्हें जीजू भी है, दोनों ही है। क्या बात बोली यार, लड़के ने ला मारने थे उसको चाटा एक ये कितने दिन का नारी पहले तो ये बता दे, नेहा नाहा कितना नारी खाल निकल जाएगी कहीं वो चेंज निकल तो नहीं रुकी अंदर क्या मिल जाएगी।